Hi friends, welcome to my channel Kavya Jani and Kavan Jani. आज मैं ये पुराने गाउन से कुछ बना के दिखाऊंगी और बीच में कुछ टिप्स भी दूंगी, तो स्किप मत करना, एंड तक वीडियो जरूर देख लेना। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्री में सब्सक्राइब है, तो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलो तो अब बनाना शुरू करते हैं। मैंने ये एक गाउन लिया है, उसको मैं यहाँ से कट कर दूंगी। ये ऊपर का हिस्सा है वो अलग कर देना है और नीचे के हिस्से को अलग कर देना है, तो नीचे बहुत सारा आपको कपड़ा मिलेगा, उसका रियूज करना है। उसके बहुत सारे आइडियाज मेरे पास है, तो मैं आपको एक एक करके वो आगे दिखाऊंगी। देखिए, मैंने ये एक गाउन लिया है, उसको ऐसे डबल फोल्ड कर दिया है अभी, और यहाँ से मैं उसको काट लूंगी। इसे आगे पीछे इसे पूरा काट लेना है गोल, तो ये नीचे बहुत सारा वो कपड़ा मिलेगा, उससे आप कुछ बना सकते हैं। वो क्या बनाना है वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। देखिए, पहले ये मैंने गोल तकिए का कवर रखा है, उसको ऐसे यहाँ से इसे काट लेंगे। ऐसे दो कवर बनाना है और यहाँ ऐसे पट्टी लगाना है, और यहाँ भी आप ऐसे पट्टी लगा सकते हैं, फिर उसमें ऐसे कोई भी ऐसे स्ट्रिप डाल के उसको बंद कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे गोल कपड़ा भी यहाँ लगा सकते हैं। ऐसे दो कवर बनाना है, ये मेरा फर्स्ट आइडिया है। अब ये चोरस पिलो कवर है, उसको ये काट लेना है, यहाँ से ऐसे सब जगह काट लेना है, ऐसे दो पिलो कवर बना लेना, तो ये आपका पूरा सेट बन के तैयार हो जाएगा। आपको ये खास याद रखना है कि ये डबल फोल्ड कर देना है, तभी ये ऐसा कवर बनेगा। आप सिंगल में करेंगे तो ये कवर नहीं बनेगा, वो खास याद रखना है। अभी ये मैंने दूसरा गाउन लिया है, उसको भी ऐसे करना है, यहाँ से काट लेना है दोनों ओर आगे पीछे, और ये स्लीव को भी ऐसे निकाल लेना है। अभी ये देखो, मैंने ऐसे लंबा वाला पिलो कवर लिया है, तो उसको भी इसमें काट सकते हैं। जो बिगनर्स है, जो नई नई सिलाई सीख रहे हैं, उसके लिए ये बहुत यूजफुल है कि वो पुराने कपड़े पे ही पहले ये ऐसा कुछ बना ले, तो उसको जल्दी से सिलाई आ जाती है, फिर नए कपड़े पे ट्राई कर लो। तो यहाँ से ऐसे काट लो, फिर ऐसे डबल नहीं रखना है, ये याद रखना है खास, फिर इसकी सिलाई कर लो, तो ऐसे पिलो कवर तैयार हो जाएगा। ये मेरा तीसरा आइडिया है। देखिए, वो ऊपर का हिस्सा होता है वो भाग, और ये स्लीव का हिस्सा होता है, उससे आप इसे शॉपिंग बैग बना सकते हैं। तो शॉपिंग बैग में क्या करना है, उसका वो कॉन्ट्रास्ट कलर ऐसे ऐसे डालेंगे तो बहुत अच्छी दिखती है। ऐसी छोटी या बड़ी किसी भी तरह की आप शॉपिंग बैग बना सकते हैं, ये मेरा चौथा आइडिया है। देखिए, ये गाउन पे मैंने ये टॉप रख दिया है और उसको ऐसे काट लूंगी, और वो कैसे बनता है वो आपको देखना है तो आप मेरी चैनल काव्या जानी एंड पवन जानी पे जाके देख सकते हैं। ये मैंने ओल्ड टी शर्ट से बनाया है, बहुत इजी तरीके से ये बन जाता है, तो आप जरूर देख लेना। ये मेरा पांचवा आइडिया है। देखिए, आप इस तरह की कुर्ती भी बना सकते हैं, ये मैंने घर पे ही बनाया है। ऐसे साड़ी की बॉर्डर लगाई है सब जगह, और साड़ी में से ही ऐसे पेच वर्क निकाल के मैंने सब जगह लगा दिया है, और ऐसी स्ट्रिप पड़ी थी वो भी लगा दी है मैंने। इसकी भी मैंने वीडियो बनाई है, रीयूज ऑफ ओल्ड साड़ी बॉर्डर की, उसमें बहुत सारे ड्रेस में कैसे यूज करते हैं साड़ी की बॉर्डर, वो मैंने दिखाया है, वो भी आप जरूर देख लेना। ये मेरा छठा आइडिया है। देखिए, आप ऐसी कुर्ती बना सकते हैं, ये कुर्ती मैंने गाउन से बनाई है, आप ऐसे कोई भी गाउन से ये बना सकते हैं। और यहाँ मैंने ऐसे फ्रिल लगाई है, देखिए यहाँ डोरी भी लगाई है, तो ये पहनने के बाद बहुत खूबसूरत दिखती है। ये मेरा सातवां आइडिया है। देखिए, ऐसे लंबी स्ट्रिप वाला जो गाउन होता है,
उससे जब्बा अच्छा दिखता है। तो छोटे बच्चों के लिए आप इसे जब्बा बना सकते हैं। ये मेरा आठवां आइडिया है। देखिए, इससे आप ऐसे छोटे बच्चे के शॉर्ट भी बना सकते हैं। ऐसे लंबी वाली वो होती है लाइनिंग, वो गाउन में ये शॉर्ट अच्छा दिखता है। ये मेरा नौवां आइडिया है। देखिए, ये बांधनी का गाउन है, उसमें से ब्लाउज बनाएंगे तो बहुत अच्छा दिखता है। तो आप ऐसे ब्लाउज बनाइए। मैंने ब्लाउज की कटिंग सही तरीके से कपड़े पे कैसे करते हैं उसकी 5 वीडियो बनाई है। और भी बहुत सारी ब्लाउज की वीडियो बनाई है, डिजाइनर ब्लाउज कैसे बनाते हैं, छोटे ब्लाउज पीस से बड़ा ब्लाउज कैसे बनाएंगे, वो सब आप मेरी चैनल पे जाके देख सकते हैं। मेरी चैनल का नाम है काव्या जानी एंड कवन जानी। ये मेरा 10वां आइडिया है। देखिए, मैंने ऐसे एप्रोन बनाया है, वो गाउन से बनाया है। देखिए, आप देख सकते हैं कितना सुंदर बना है ना। तो आप भी ऐसे पुराने गाउन से एप्रोन बना सकते हैं। ये मेरा 11वां आइडिया है। देखिए, आप ऐसा गाउन भी बना सकते हैं। ऐसे कोई भी ऊपर नेट का कपड़ा डाल दो और नीचे ये गाउन का हिस्सा डाल दो तो बहुत खूबसूरत दिखता है। तो आप ऐसे गाउन बना दीजिए। ये मेरा 12वां आइडिया है। देखिए, आप ऐसे टॉप भी बना सकते हैं। ये समर में अच्छा रहता है, गर्मी भी नहीं लगती। ये मेरा 13वां आइडिया है। देखिए, ये टॉप के नीचे आप ऐसे स्कर्ट भी बना सकते हैं। ये स्कर्ट मैंने साड़ी में से बनाया है, उसकी भी मैंने वीडियो रखी है, रियूज ऑफ ओल्ड साड़ी 3 आइडियाज। वो स्कर्ट मेडी की वीडियो है, तो वो आप मेरे चैनल पे जाके देख लेना। ये मेरा 14वां आइडिया है। देखिए, ये मैंने गोदड़ी बनाई है छोटे बच्चों के सोने के लिए। तो इसमें मैंने ये स्कूल ड्रेस का यूज किया है, नीचे का वो होता है पैंट स्कर्ट, उसका ऐसे बॉर्डर की तरह यूज किया है। देखिए कितनी सुंदर दिख रही है ना। आप भी ऐसे बनाइए। ये मेरा 15वां आइडिया है। देखिए, ऐसे गाउन से आप ये गोदड़ी का कवर भी बना सकते हैं। मैंने इसमें ब्लू बॉर्डर लगाई है, इसलिए मैं इसका कवर बनाऊंगी, तो इसमें ये अच्छा दिखेगा। ये मेरा 16वां आइडिया है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताना कि आपको मेरा आइडियाज कैसे लगे। इसे गाउन के बचे हुए टुकड़े से मैंने इसे मास्क बनाए है। आप भी इसे बना सकते हैं। ये डोरी वाला मास्क है और इसे इलास्टिक वाला भी मास्क आप बना सकते हैं। ये मेरा 17वां आइडिया है। देखिए, आप ऐसा पेटीकोट भी बना सकते हैं, तो ये गर्मी में बहुत अच्छा रहता है। देखिए कितना सुंदर है ना। ये मेरा 18वां आइडिया है। ये मैंने आयुर्वेदिक मास्क बनाया है, वो भी आप ऐसे गाउन के बचे हुए टुकड़े से बना सकते हैं। वो कैसे बनाते हैं वो आपको देखना हो तो आप मेरी चैनल पे चले जाना। ये मेरा 19वां आइडिया है। ऐसे गाउन के बचे हुए टुकड़े से आप ऐसे छोटे छोटे हैंडकरचीफ बना के बच्चे को दे सकते हैं। ये मेरा 20वां आइडिया है। देखिए, मैंने ऐसे नया गाउन लिया है, उसमें से ऐसे लंबाई ज्यादा होती है तो ये पट्टी निकलती है। जैसे सब गाउन में मैंने किया है, और ये पट्टी का मैं यूज करके कुछ बनाऊंगी, उसके भी मेरे पास बहुत सारे आइडियाज है, उसकी मैं वीडियो बनाने वाली हूँ। और अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, और फ्री में सब्सक्राइब है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को दबाना मत भूलना, इसीलिए मैं जब भी नई वीडियो रखूं तो आपको तुरंत मिल सके। जिसने पहले सब्सक्राइब किया है वो मत करना, उसको धन्यवाद। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलना।